Assalamu alaikum students, welcome to class 7. I am your science teacher. Today we are start our first unit, human organ system. Okay, so class hum agar aapke paas books hain to aap log kholen, agar nahi bhi hain to aapke paas samne pages show ho rahe hain slide par, to aap unko sath sath carefully dekhen. Main read out karungi sath प्लस ट्रांसलेशन, तो आप लोग केयरफुली सुने और जो आपको समझाने वाली चीज़ें होंगी मैं साथ भी समझाऊंगी, और उसके बाद कुछ स्लाइड्स आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड हैं मैं उनको भी क्लियर कर दूंगी। सबसे पहले आपके पास इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन में हमारे पास यही बात हो रही है कि आप लोग प्रीवियस क्लासेस में अपने ह्यूमंस के कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ कर आ चुके हैं, जैसे कि हमारे मसल्स, ब्रेन, टीथ, बोन्स, स्टमक, हार्ट, आईज, इन सब का फंक्शन क्या है, ये हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, ये करते क्या हैं, हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं। तो इस यूनिट में आप लोग आज पढ़ेंगे अपने इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। एक हमारे रिस्पायरेटरी रिस्पायर से निकला है, रिस्पायरेशन जब हम सांस लेते हैं उस सिस्टम के बारे में कि हमारे कौन से बॉडी ऑर्गन्स में इन्वॉल्व होते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम मीन के जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो वो किस तरह हमारे पास हज़म होता है, किस तरह हमारे बॉडी में जाता है, किन किन पार्ट्स से होकर गुजर कर जाता है। तो हमारे पास टॉपिक नंबर 1 है, 1.1, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इंटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जो हमारा निज़ाम इंतज़ाम है ये इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है किसकी ब्रेकडाउन में, तोड़ फोड़ में फूड की, हमारी खुराक की जो हम खाते हैं, इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे ज़र्रों में। डाइजेशन इज़ द प्रोसेस। डाइजेशन हमारे पास एक ऐसा अमल है, हाजमा हमारे पास एक ऐसा अमल है इन विच फूड इज़ ब्रेक डाउन, जिसमें हमारे पास जो खुराक होती है वो तोड़ फोड़ हो जाती है उसकी इंटू सिंपलर, बिल्कुल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, स्लोबल फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द ब्लड स्ट्रीम। और उसके बाद जब वो छोटे छोटे पीसीज में आपके पास उसकी तोड़ फोड़ हो जाती है, फिर वो किस तरह एब्जॉर्ब होती है, हमारी बॉडी में किस तरह शामिल होती है, ठीक है, किस तरह हमारी ब्लड के अंदर वो एब्जॉर्ब होती है, हल होती है। ड्यूरिंग डाइजेशन लार्ज एंड कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। तो जब हमारे पास निज़ाम हाजमा हो रहा होता है तो उसमें क्या होता है, जो आपके पास पेचीदा मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं, बोथ मैकेनिकली एंड केमिकली। मतलब इसमें हमारे पास दो सिस्टम समझ लें वर्क करते हैं, एक मैकेनिकल वर्क, एक केमिकल, जिस तरह के हमारे पास ग्राइंडर मशीन है, जब हम उसको चलाते हैं, जब वो मूव करती है तो वो मैकेनिकली होती है, लेकिन जब तक हम उसमें कुछ चीज़ डालेंगे नहीं तो वो मूव आउट किसको करेगी, तो वो उसके केमिकली उसमें देते हैं। इसके अलावा हम कपड़े धोते हैं, जिस तरह कपड़े धोने की मशीन है, मशीन हमारे कपड़े वॉश तो कर रही है, लेकिन जब तक हम उसमें सर्फ डिटर्जेंट कोई नहीं डाल देंगे, साबुन नहीं डाल देंगे, तो तब तक क्या उसमें केमिकल वर्क नहीं होगा, मतलब हमारे जो कपड़ों पे दाग वगैरह वो साफ़ नहीं होंगे। तो इसी तरह हमारी बॉडी में जब हम कुछ खाते हैं तो वो दो तरह से होता है, एक तो पहले हम उसको मशीनी तौर पे अपने मुंह से चबाते हैं, फिर उसके बाद वो हमारे अंदर जाके कुछ केमिकल वर्कआउट हमारे ऑर्गन्स के अंदर करते हैं, जिसमें वो बिल्कुल हमारी बॉडी में डिसॉल्व हो जाता है, हमारी बॉडी में हल हो जाती है जाके। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या आ जाता है, इसमें क्या कहते हैं, वो मैकेनिकल डाइजेशन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज पीस ऑफ फूड इंटू स्मॉलर पीस। तो मैकेनिकल डाइजेशन जो होती है आपके पास मशीन की तरह कह दें, जो वर्कआउट होता है हमारा, वो क्या होता है, उसमें जो लार्ज पीस होते हैं फूड के, बड़े जो नवाला हमने खाया होता है, बड़ा पीस होता है, उसको सबसे पहले हम स्मॉल पीस में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह करते हैं, इट स्टार्ट इन द ओरल कैविटी थ्रू च्यूइंग द टीथ। किस तरह होता है वो, हम जब मुंह में डालते हैं, ओरल कैविटी माउथ ही को कहते हैं, जब हम मुंह में डाल देते हैं तो उसको हम चबाते हैं, चबाते हैं किसके ज़रिए, टीथ के ज़रिए। फूड इज़ देन स्वेलोड एंड फर्दर ब्रोकन डाउन बाय द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्टमक वॉल। और उसके बाद जब हम उस खुराक को निगल लेते हैं, अंदर ले जाते हैं, तो उसके बाद जो वो और उसकी ब्रेकडाउन होती है, और तोड़ फोड़ होती है, किस तरह होती है, जो हमारा मैदा होता है उसकी वॉल्स के ज़रिए, उसकी कंट्रैक्शन, उसके सिकुड़ने और रिलैक्सेशन, उसके फैलने से। केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस थ्रू द एक्शन ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस बाय द डाइजेस्टिव ग्लैंड।
केमिकल डाइजेशन अब किस तरह होती है, ये हमारे पास एक्शन होता है डिफरेंट एंजाइम का, डिफरेंट एंजाइम्स मिला दिए हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास आते कहाँ से हैं, ये हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड से ही आते हैं, हाजमे के कुछ गंदूद होते हैं उनसे हमारे पास ये हमें हासिल होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 3। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल। अब हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कुछ ऑर्गन्स पे मुश्तमिल है, जिसमें एक लॉन्ग सी ट्यूब है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, और आपके पास हाजमे के कुछ हदूद, लेवर एंड पैंक्रियास, लेवर जिगर और पैंक्रियास लबलबा। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि ये किस तरह के होते हैं, इनकी शेप्स क्या होती हैं। फूड पासिस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल्स। अब जो हमारी खुराक आती है वो गुजरती है एलिमेंट्री कैनाल से, एलिमेंट्री कैनाल से गुजरने के बाद विच इज़ कंटिन्यू द ट्यूब स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। अब ये एलिमेंट्री कैनाल हमारे जो मैं खुराक की नाली है ये शुरू कहाँ से होती है, सबसे पहले तो ये हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एंड एट द एनस, और इसका अहतमाम इसका ख़त्म कहाँ पर होता है, एनस पर होता है। ये भी हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है जिसे एनस कहते हैं, जहाँ पर इसका एंड होता है इस ट्यूब का। द फूड इज डाइजेस्टेड व्हेन इट पासिस थ्रू द कैनाल। और हमारा फूड किस तरह हजम होता है, जब वो इस कैनाल से गुजरता हुआ जाता है, जब हम उसको मुंह में डालते हैं तो उसके फौरन बाद हमारे फूड का हाजमा स्टार्ट हो जाता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अब ये सिर्फ ये नहीं कि इसका एक ही ऑर्गन है वो स्टमक है, नहीं, इसके डिफरेंट ऑर्गन स्पेसिफिक, हर किसी का अपना अपना फंक्शन है, ठीक है। वो क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है माउथ, ओरल, बक्कल कैविटी, या हम उसको मुंह कहते हैं, सेकंड नेम उसका ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी भी हम कह सकते हैं। तो अगर आगे मैं कहीं आपको एक्सप्लेनेशन में समझा रही हूँ और ओरल कैविटी कह रही हूँ या बक्कल कैविटी कह रही हूँ तो आपने इस पर परेशान नहीं होना, ये सब माउथ के ही पार्ट्स हैं। फूड इंटर द डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू द माउथ। तो जाहिर बात है हम कहाँ से सबसे पहले अपनी खुराक खाते हैं, मुंह के ज़रिए, ठीक है ना। वेयर इट इज़ मैकेनिकली ब्रेक डाउन इंटू स्मॉलर पीसेज बाय द टीथ। तो यह हमारा मैकेनिकल वर्क, यानी जो मशीन समझ लें, जो हमारा माउथ है वो मशीन की तरह काम कर रहा है ब्रेक डाउन में, चीज़ों की तोड़ फोड़ में। तो जो हम जब फूड लेते हैं तो उसकी ब्रेक डाउन कहाँ स्टार्ट हो जाती है, हमारे माउथ के अंदर ही, ठीक है। द स्मॉलर पीसेज बाय द टीथ, किसके ज़रिए हम हमारे जो टीथ हैं वो इसकी तोड़ फोड़ करेंगे। स्लेवरी ग्लैंड विच आर प्रेजेंट इन द माउथ। फिर कुछ ऐसे गदूद हैं जिसका नाम स्लेवरी है, वो हमारे मुंह में प्रेजेंट होता है। सिक्रीट स्लाइवा, थूक, ये जो आपके मुंह में वॉटरी का फ्लूइड रहता है इसको हम स्लाइवा कहते हैं, थूक जो हमारा होता है, ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है जब हम कोई चीज़ खाते हैं। स्लाइवा इज़ अ वाटरी फ्लूइड, ये हमारे पास थूक जो होता है ये हमारे पास पानी की तरह का एक फ्लूइड होता है। इसका काम क्या होता है, विच मेक द फूड सॉफ्ट एंड स्लिपरी। अब जैसे ही देखें मुंह में नवाला लेते हैं तो क्या होता है, हमारे मुंह में ये जो थूक होता है याद होता है, जिस जो फूड को क्या करता है, सॉफ्ट करता है, नरम कर देता है, स्लिपरी सा बना देता है, फिसलन उसमें पैदा कर देता है, ठीक है। द फूड पे द सॉफ्ट पेस्ट ऑफ फूड इज कॉल्ड बोलस। और उसके बाद जब हम चबा लेते हैं और हमारा एक मुंह में बन जाता है, जिसे हम कह सकते हैं वो खिचड़ी की तरह, जिसे हमारे मुंह में खिचड़ी थी, चुबाई हुई खुराक कह सकते हैं, एक मादा बन जाता है जिसको हम बोलस कहते हैं, ठीक है, पेस्ट सा बन जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलस कहते हैं। द फूड फ्रॉम माउथ कैविटी इंटर इनटू द एसोफेगस थ्रू स्वेलविंग। ये अब क्या होता है, हम निगलते हैं इसको, तो ये हमारी खुराक की नाली नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होता है एसोफेगस उसमें शामिल चला जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ स्वेलविंग इज सपोर्टेड बाय द टंग एंड लिप। और हम निगलते किस तरह हैं माउथ से खुराक को, जो हमारे पास बोलस सा बन जाता है, एक पेस्ट बन जाता है फूड का, वो हमारी ज़ुबान और लिप्स, आपके ज़ुबान, और अगर अल्लाह ताला ने हमें
टंग ज़ुबान ना दी होती और लिप्स ना देते तो क्या हम वो नवाला अंदर लेके जा सकते थे? नहीं। एसोफेगस पैर आ जाएँ, जिसे हम उर्दू में ग़िज़ाई नाली भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी हमारे पास फूड पाइप है। अगर क्लास यहाँ पिक में भी आपको नज़र आ रहा है, ये जो एक ट्यूब सी आ रही है यही हमारे पास होती है, और अगर आप लोग अपने ख़ुद देखना चाहते हैं तो अपने गर्दन पे हाथ लगाएं तो ये जो फील हो रही है आपको, एक कैनाल सी, एक नाली सी, जैसा कोई पाइप सा गुजर रहा है, तो यही हमारे पास और आपकी नाली होती है। ठीक है। द एसोफिगस इज़ अ लॉन्ग, ये बहुत लंबी सी होती है, नैरो थोड़ी तंग सी एंड हॉलो खुली मस्कुलर ट्यूब विच कैरीज द फूड, ये क्या करती है फूड को अंदर लेके जाती है, जो बोलस होता है, फ्रॉम द माउथ कैविटी, जो माउथ कैविटी से हमारे पास आती है, और कहाँ लेके जाती है, इसको स्टमक में लेके जाती है, आपके मैदे तक लेके जाती है। इसके बाद बोथ एंड्स ऑफ द एसोफिगस आर टाइटली, और एसोफिगस जो होता है इसके बाद सख्ती से बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? ये हमारे पास टाइटली से जब बंद हो जाता है, सख्ती से क्लोज बाय किसके ज़रिए बंद होता है? स्पेक्टर, स्पेक्टर्स मसल्स, एक मसल होता है स्पेक्टर, जिससे कोई चीज़ चिपक नहीं जाती है, उस तरह का एक मसल होता है किसी चीज़ को बंद करने के लिए। विच प्रिवेंट फूड फ्रॉम कमिंग बैक टू द एसोफिगस फ्रॉम द स्टमक और फ्रॉम द एसोफिगस बैक इन टू माउथ। अब ये अगर अल्लाह ताला ने ये हमारे इसमें ये मसल ना बनाया होता, ये पार्ट ना बनाया, तो क्या होता कि जब हम खुराक खाते तो वो क्या होती, वापस आ जाती है हमारे उस नाली में, एसोफेगस में, स्टमक से, और दोबारा एसोफेगस से हमारे मुंह में वापस आ जाती। ठीक है। तो इस स्पेक्टर का काम होता है, जो हमारा एसोफेगस है, जो हमने नवाला अंदर डाल दिया, उसको क्लोज कर दे, उसको बंद कर दे। क्लास आज हमारा टॉपिक यहाँ ही तक होता है, स्टमक के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेसन में हम करेंगे। नेक्स्ट आप स्लाइड पे आ जाएं, ये ट्रांसलेशन हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले हमारे पास डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच कम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर सब्सटेंस, कि हम डाइजेशन निज़ाम हजम करने का, हाजमा जो होता है, ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसा अमल होता है जिसमें हम पेचीदा फूड को, बड़े से नवाले को, छोटे छोटे नवालों में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, ज़रों में तब्दील करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आते हैं? डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन टेक प्लेस इन द एलिमेंट्री कैनाल्स, और ये डाइजेशन हमारी होती कहाँ है? हमारे ह्यूमन के कहाँ होगी? एलिमेंट्री कैनाल में, मैदे की नाली में। ठीक है। विच इज़ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस, और ये कहाँ तक होती है? ये फैली हुई होती है हमारे मुँह से लेकर एनस तक। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, अब हमारी एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट हिस्से हैं। नंबर वन माउथ, बकल कैविटी भी इसको हम कहते हैं, फूड पाइप, एसोफेगस ग़िज़ाई नाली, स्टमक मैदा, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। ये आप नेक्स्ट पिक्चर देख सकते हैं, हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये मैं आपके पास को थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ। ये हमारे पास माउथ है, ओरल कैविटी, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फूड को मैकेनिकली डाइजेशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ चबाना स्टार्ट करते हैं तीखी मदद से। उसके बाद जो हमारे पास जो फूड होता है वो बोलस की शक्ल में एसोफेगस में जाता है, या आप देखते हैं आगे जो है ये हमारे पास विंड पाइप है, सांस की नाली, उसके पीछे ही हमारे पास खुराक की नाली होती है, लेकिन ये दोनों इकट्ठी होती हैं। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारी खुराक सांस की नाली में नहीं जाती बल्कि अपनी खुराक की नाली में जाती है, क्योंकि ये जो सांस की नाली होती है उस पर एक पर्दा सा आ जाता है, वो बंद हो जाती है। ठीक है। एसोफेगस के जाने के बाद ये हमारे पास हमारे नेक्स्ट पार्ट स्टमक में जाती है। स्टमक में एक लेवर का नाम आपको मैंने बताया था और पैंक्रियास का पीछे हमने नाम बताया, तो ये हमारे पास दो ग्लैंड्स थे, ये आपके पास नज़र आते हैं। जो पैंक्रियास है ये एक लीफ शेप का होता है, और आपके पास ये लिवर, जिगर जिसे कहते हैं, ये दोनों यहाँ पर जूसेस सिक्रीट करते हैं स्टमक के अंदर, जो इसको हमारे फूड को और ज़्यादा ब्रेक डाउन करता है, उसको और सिंपलर फॉर्म में लेके जाता है। जो यहाँ पर जो हमारे ब्रेक डाउन हो जाती है फूड की, तो वो यहाँ से हमारी बॉडी में शामिल होने लगता है, एब्जॉर्ब होने लग जाता है, और जो कुछ फूड जो रह जाता है, मींस के नहीं हल हो पाता, वो उसके बाद हमारे नेक्स्ट होता है
स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्टमक के बाद कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हल होने के बाद, ये जाने के बाद, जितना हल हो सकता है, जितने केमिकल यहाँ और प्रोड्यूस होते हैं, वो इसको और उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद फिर जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल रह जाते हैं वो चले जाते हैं हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में। ये आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन शो हो रही है। इसमें जाने के बाद जो यहाँ हमारे यूज़फुल, जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल मटेरियल है, यूज़फुल हमारी जो फूड है, वो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जो हमारे पास अनएब्जॉर्ब होगी, मतलब हमें नहीं ज़रूरत होगी हमारे जिस्म को, वो हमारी बॉडी से एनएस के ज़रिए रिलीज़ हो जाएगी, एनएस के ज़रिए बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम है। फिर आ जाते हैं हमारे पास स्टेप ऑफ डाइजेशन के। हमारे जो डाइजेशन होती है, खुराक हज़म होती है, उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। हम लोगों ने आज पढ़ा है एस्फेगस तक, तो हम यही दो स्टेप के रीड आउट करेंगे। पहला स्टेप होता है द फूड इज टेकन इन थ्रू द माउथ। सबसे पहले हम खुराक मुंह में लेते हैं। फूड इज च्यूड एंड मिक्सड विद सलाइवा इन द बकल कैविटी। ये जब हम फूड को चबाते हैं, उसको मिक्स करते हैं किसके ज़रिए? सलाइवा के ज़रिए, इन द बकल कैविटी, जो हमारी माउथ की कैविटी है उसी के अंदर। ठीक है, सलाइवा अब हमारे पास क्या है? सलाइवा इज़ अ डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा हमारे पास, थूक जो होता है, ये एक हमारे पास हजम करने के लिए एक ऐसा जूस है जो हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, सेक्रेट होता है, निकलता है। स्टेप नंबर टू, द च्यूड फूड इंटर इनटू द फूड पाइप और एसोफेगस एंड इन द स्लोली पुश्ड इनटू बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। जब हम फूड को चबा लेते हैं और वो फूड पाइप में, उसके बाद मैंने हमको कहा था जो बोलस सा बन गया, वो हमारे गले में जब आ जाता है, उधर से गुजरने के बाद ये इसको जो एसोफेगस होता है वो हल्का सा धक्का देता है, इसको पुश करता है, और हमारा जो आपको पीछे दिखाया था मैंने बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें आकर गिर जाता है, इसमें आ जाता है। ठीक है, इसमें आने के बाद स्टेप थ्री, वैसे मैंने आपको स्टमक पढ़ाया नहीं है बुक, मतलब बुक पे हमने इसकी रीडिंग नहीं की, लेकिन मैं फिर भी हल्का सा आपको दे देती हूँ ताकि नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ें तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो के स्टमक में क्या होने वाला है। द फूड इज चर्न इन द स्टमक। अब इसमें क्या होगा? हमारा जो जिस तरह की चीज़ को हम घुमाते नहीं, क्रश करते हैं, जब आप ब्लेंडर में जब किसी चीज़ को डालते हैं, वो जो उसमें घूमती है, उसमें सही अच्छी तरह मूव होती है, तो इसी तरह जब हम स्टमक में, वो हमारा जो बोलस होता है वो चला जाता है, तो वो इसमें इसका जूस भरने लग जाता है, इसको सही, इसको ग्राइंड किया जाता है इसकी फर्दर ब्रेक डाउन के लिए, ताकि इसकी और तोड़ फोड़ हो सके। और स्टमक जो होता है हमारा, जो हमारा मैदा होता है, वो भी कुछ जूसेस सिक्रीट करता है जिसको हम म्यूकस कहते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूकस जो होता है ये चिपचिपा सा ना फ्यूल सही होता है, हम कह सकते हैं वाटरी सा। और डाइजेस्टिव जूस हाजमे का रस कह दें। और इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे पास एक एसिड है जो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर रखा है, ताकि हम लोग जब खुराक कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होती या फ़ायदा मंद होती है, तो उसको आसानी से ये क्रश कर सके। कभी कभी देखें हम कुछ फूड हमारे ऐसे हैं जो हम हज़म नहीं कर पाते हैं और हमारी तबीयत बोझल सी कर देती है, तो यही जो केमिकल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर ये इसको एसिड के तौर पे काम करता है, उसको पिघला सकता है, अगर ना करे तो वो हमारी बॉडी से इजीली एनएस के ज़रिए रिमूव हो जाते हैं। ओके क्लास, आपके लिए फिर एक होमवर्क है। यूनिट का क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको भी नहीं करा रही, क्योंकि हम उस टॉपिक तक ही नहीं पहुँचे कि मैं आपको होमवर्क कराऊँ, लेकिन आप लोग का होमवर्क क्या है, अपनी कॉपी पे आप लोगों ने लेबल करनी है और ड्रा करनी है डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम, जो आपके पास ये बनी हुई है स्लाइड में, आप देख सकते हैं। इसको आपने इसी तरह कॉपी पे लेबल करना है, यूनिट का नेम लिखना है। हेलो, ओके क्लास, थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।